दोस्तों, आज मैं आपको आश्चर्यचकित कर देने वाले एक समुद्री जीव के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसे आप और हम जेलीफिश के नाम से जानते हैं। जेलीफिश को देखने में कुछ लोगों को मुश्किलें हो सकती हैं, क्योंकि यह पारदर्शी और पारभासी होते हैं। जेलीफिश का 95% शरीर पानी से बना होता है। जेलीफिश देखने में बड़े और चमकीले रंग के होते हैं। जेलीफिश बिना फेफड़ों के सांस लेते हैं, क्योंकि इसकी पतली होती है कि वह उसी से सांस लेते हैं। दुनिया में लगभग 2000 से अधिक विभिन्न प्रकार के जेलीफिश पाए जाते हैं। यदि एक जेलीफिश को बीच से काट दिया जाता है तो वह अपने आप को पुनः उत्पन्न करेगा और दो नए जेलीफिश बनेंगे। जेलीफिश की समूह को एस्मेट, ब्लू और झुंड कहा जाता है। एक अकेला बॉक्स जेलीफिश के जहर से लगभग 60 लोगों की जान जा सकती है। जेलीफिश का ऊपरी हिस्सा जो बिल्कुल मशरूम जैसा दिखता है, वह बेल कहा जाता है। भले ही हम जेलीफिश के टेंटेकल्स को उसके शरीर से अलग कर दें, दुनिया की सबसे बड़ी जेलीफिश का नाम लैंड जेलीफिश है, जिसका टेंटेकल 120 फीट तक लंबा होता है। एक बॉक्स जेलीफिश व्यक्ति के बीच टेंटेकल 2 मिनट के भीतर रोक देता है, जो उस व्यक्ति की मौत का कारण बनता है। कुछ लोगों को इसे देखने में मुश्किलें हो सकता है, क्योंकि वे मानव आंख के लिए लगभग अदृश्य हो जाते हैं। हालांकि उनके नाम में जेलीफिश का शब्द उल्लेख किया गया है, लेकिन वो मछली की श्रेणी में नहीं आते हैं। जेलीफिश जाल या डंक की तरह अपनी पूंछ का उपयोग करते हैं। अधिकांश मनुष्य के लिए हानिकारक नहीं है, लेकिन कुछ प्रजातियां जैसे बॉक्स जेलीफिश का डंक बहुत दर्दनाक हो सकते हैं। कभी कभी इससे व्यक्ति जान भी चली जाती है। जेलीफिश का भी जनरेशन पावर अधिक होने के कारण कुछ लोगों के दिमाग में ऐसा आता है कि जेलीफिश कभी मर जाए। जब उनके शरीर की कोशिकाएं जब पुरानी हो जाती है, तो अपने रीजनरेशन पावर के कारण अपनी कोशिकाओं को पुनः नए कोशिकाओं में परिवर्तित कर पुनः नए जेलीफिश की तरह हो जाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।